हेलो डॉक्टर जी कहिए, क्या हुआ? मुझे थोड़ा सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, जुकाम है क्या? जी गले में भी दर्द है। जी जी मैं आपको दवाइयां लेके दे रहा हूँ, सुबह दोपहर और शाम को लेनी है। लीजिए, धन्यवाद। डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। क्या हुआ? मैं सुन बोल नहीं सकती हूँ, बोल के बताइए। मास्क नीचे उतारू? नहीं 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 मैं लिख के बताऊ? नहीं 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 लिख के नहीं बता सकती, मैं बीमार हूँ, मुझे खांसी भी आ रही है, लिख के बताऊ क्या मैं आपको? नहीं नहीं ठीक है। देखा आपने, अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी बात बोलकर आसानी से बता सकते हैं, उनके पास सुगमता होती है। देखा आपने, बधिर जन या फिर किसी भी तरह का दिव्यांग जन, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मास्क पहनकर वो अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। यदि वो लिखकर बात बताना चाहते हैं तो कोरोना का हवाला देकर उन्हें रोक दिया जाता है। उन्हें दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और उन्हें कोई सुगमता नहीं मिल पाती है। देखा आपने वीडियो में, श्रवण लोग बोलकर आसानी से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, पर बधिर जनों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। पारदर्शी मास्क पहनकर वो अपनी बात आसानी से लिप रीडिंग से बता सकते हैं। दूसरा, यदि वो लिख नहीं पाते हैं तो लैपटॉप के जरिए अपनी वार्तालाप कर सकते हैं, और वो मोबाइल के जरिए भी अपनी वार्तालाप कर सकते हैं। तीसरा, वो इंटरप्रेटर के जरिए अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं, और यदि कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाते हैं तो वीडियो कॉल करके इंटरप्रेटर के जरिए वो अपनी बात को रख सकते हैं। आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि बधिर लोगों के लिए भी सुगमता बहुत जरूरी है।